किन्नर की तहरीर पर 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से आ रही है। उम्भाव पुलिस ने रूपा किन्नर पुत्री काशीनाथ निवासी बीबीपुर थाना उम्भाव की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 2 अभियुक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस जांच में 2 किन्नरों के बीच क्षेत्राधिकार और वर्चस्व में विवाद का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित रूपा किन्नर पुत्री काशीनाथ ने उम्भाव थाने में तहरीर दिया है कि 10 मार्च 2024 को वह अपने साथियों के साथ बधाई मांगने जजमानी में जा रही थी। हम लोग तेंदुहारी भट्टे के पास पहुंचे थे, तभी मंदूगिरी पुत्र अशोक गिरी निवासी कैथी खतेमपुर थाना उम्भाव बलिया, राहुल सिंह जिला मऊ, भोली किन्नर उर्फ जितेंद्र पुत्री पंचानंद निवासी बीबीपुर थाना उम्भाव बलिया, मनीषा किन्नर निवासी औरंगाबाद मऊ व नैना किन्नर निवासी मिर्जाजीपुरा जिला मऊ ने रास्ते में रोक लिया और गाली गलौज देते हुए मेरे साथ जा रही नैना गुप्ता किन्नर को जबरदस्ती अपने साथ तथा हम लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए लेकर चले गए। यह लोग किसी सुनसान स्थान पर रखे हुए हैं। इस मामले में उम्भाव पुलिस ने 5 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147, 342, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी मनीषा किन्नर व राहुल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना उभाव पर वायरल हो रहे वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि थाना उभाव पर रूपा किन्नर के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 2 किन्नर ग्रुप के बीच में क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद था। FIR में नामजद 2 मुख्य अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध प्रचलित है। शेष बचे हुए अभियुक्त के अरेस्टिंग के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जिसके संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा। जय हिंद।